तो दोस्तों एग्लियो ई ओलियो पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी गर्म कर लिया है और साथ में पानी गर्म करते वक्त इसके अंदर एक चम्मच तेल डाल दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने स्पेगेटी पास्ता लिया है लगभग 150 ग्राम और उसको मैं पानी में डिप कर दूंगा। पानी में डिप करने के लिए दोस्तों एक स्पैचुला की मदद लें, नहीं तो आपका ये टूट जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर मैं डाल दूंगा लगभग आधा चम्मच नमक और 10 से 15 मिनट तक हम हमारे पास्ता को बॉईल करेंगे। तो दोस्तों लगभग 15 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरा पास्ता कुक हो गया है। पास्ता चेक करने के लिए कि कुक हुआ है या नहीं, आप एक स्टैंड निकाल के टेस्ट कर लीजिए, अगर वो सॉफ्ट है तो वो कुक्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगा फिगारो का ऑलिव ऑयल। तो दोस्तों ऑलिव ऑयल का रिप्लेसमेंट आप कोई सा भी अनफ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग मैंने 2 चम्मच के आसपास ऑयल डाला है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर डाल दें लगभग 15 गार्लिक क्लोव्स, जिनको आप बारीक चॉप कर लें। और दोस्तों इसको लगभग 2 मिनट तक कुक करना है, जब तक इसकी रॉ स्मेल चली नहीं जाती। अब दोस्तों इसके अंदर मैं डाल दूंगा लाल मिर्ची, जिसको मैंने काट लिया था बारीक। तो दोस्तों ये इजीली अवेलेबल रेड मिर्च है, जो कि हर किसी किराने की दुकान पे मिलती है, बस उसको लाके डाल दें। अब दोस्तों लगभग 2 मिनट कुक करने के बाद मैंने गैस बंद कर दी है और उसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरा स्ट्रेन करा हुआ पास्ता और फिर इन सभी को हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम लोग डाल देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है पार्सले, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों 1 कटोरी पार्सले इसके अंदर डाल दें। अगर पार्सले आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह शेपू करके एक सब्जी आती है, वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का फ्लेवर सेम होता है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं ग्रेट कर दूंगा चीज़ क्यूब। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 चीज़ क्यूब के आसपास ग्रेट किए थे। आप लोग चाहें तो पार्मेसान चीज़, मोजरेला चीज़, कोई सी भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों इन सभी को हम लोग कर लेंगे मिक्स। लेकिन हाँ, क्योंकि आपकी गैस बंद है, आपको मिक्स करने में दिक्कत आए, तो आप लोग हल्की सी गैस चालू करके भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का पास्ता एकदम रेडी है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं प्लेट। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हम लोगों का पास्ता बना है, बहुत ही छोटी रेसिपी है, आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं घर के अंदर। और दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ इसको खाने और आप लोग भी जाइए इसको बनाने, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।